हेलो इन्वेस्टर, तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ की कल यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, किस किसने इसने अप्लाई किया है और कितने परसेंटेज चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के। इसके साथ ही डिस्कस करने वाले के अभी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला, कहीं आप इसमें अप्लाई करने के बाद फर्स्ट तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करके कहीं फंस तो नहीं गए या फिर आपको कहीं फंसाया तो नहीं गया। जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले दो आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग हुई है, ड्रीम फॉक्स की बात करें तो 57% पर लिस्टिंग हुई, तो उसी के चक्कर में काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसके अंदर फंस गए। जबकि मैं हर वीडियो में बताता रहूँ किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी कामकाज क्या करती है उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात तो यह कि इस आईपीओ का थोड़ा सा प्राइस बैंड जो बहुत ज़्यादा था और इसके वजह से इसका जीएमपी भी कम और लगातार कम होता जाता। अभी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, रिटेल कैटेगरी में 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 3 गुना के आसपास है, क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 1.5 गुना के आसपास। टोटल सब्सक्रिप्शन इसका देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं है पिछले आईपीओ के मुकाबले में, ठीक है। ये तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात हो गई। अब इसके लेटेस्ट जीएमपी पर आप नज़र डालते हैं तो देखेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का 15 रुपये के आसपास जीएमपी चल रहा है। इसके आसपास 10% का लिस्टिंग आपको मिलेगा। इसकी प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा है, 525 रुपये। ये कम से कम 200 या फिर 200-250 रुपये के आसपास होनी चाहिए थी, ज़्यादा प्राइस है इसलिए इससे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए था। लेकिन जब इन्वेस्ट कर दिया है तो अब मन में सवाल आ रहा है कि कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो अभी यहाँ पर 15 रुपये जीएमपी चला तो 15/28 शेयर का ये लोट है, तो 15/28 अगर आप करते तो 420 रुपये का बेनिफिट आपको एक लोट पर मिलता है। अगर आपने एक लोट के लिए अप्लाई किया तो 420 रुपये का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी बाजार जिस तरीके से वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी चल रही है बाजार में, तो ये और भी नीचे जा सकता है। तो आप यहाँ से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन आपको मिल गया यहाँ से तो 700-800 रुपये के आसपास मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर आप आईपीओ देखेंगे तो इन्होंने जो कोटा रखा है सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास रखा हुआ है, रिटेल कोटा आप देखते हैं 10% के आसपास है, ठीक है। और दूसरा कि इसका सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 6 गुना के आसपास हुआ। अमूमन बड़े बड़े आईपीओज में यहाँ पर 50-50 गुना 40-40 गुना सब्सक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पर कम हुआ, तो इससे चांसेस हैं कि आईपीओ आपको मिल जाए। अभी इतना कम जीएमपी देखने के बाद में काफ़ी सारे इन्वेस्टर को ये दुआ करते होंगे कि हमको ये आईपीओ ना मिले, हमारा पैसा रिफंड हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इस आईपीओ में केस थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, 100% मिल सकता है, ठीक है। अब इसके आईपीओ कब मिलेगा, इसका अलॉटमेंट कब है, वो भी डिटेल्स पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 तारीख को क्लोज हो चुका है। अभी इसका बेसिस अलॉटमेंट जो है 12 सितंबर को आपको मिलेगा, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो रिफंड आपका 13 सितंबर को आ जाएगा। और अगर आपको मिल जाता है तो इसके शेयर डीमेट अकाउंट में 14 सितंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 सितंबर को, यानी आप इसको शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यहाँ पर इतना कम लिस्टिंग गेन है। और दूसरी बात कि यहाँ पर अभी आपको आगे क्या करना है, लॉन्ग टर्म रखना है इसे या फिर लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाना। तो जिस तरीके से मैंने बताया इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है आपको यहाँ से लेकर के निकल जाना चाहिए। ओवरऑल इसका प्राइस ज़्यादा और ये अपनी प्राइस से काफ़ी नीचे गिरने वाला है, जो भी इसकी प्राइस है वहाँ से आपको नीचे ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब भी इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा फ्रेंड्स, तो उस अलॉटमेंट स्टेटस को कहाँ पर देखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट से, क्योंकि हर आईपीओ का एक रजिस्ट्रार होता है। तो इसका रजिस्टर आप देखेंगे तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली अपने ब्राउजर पर चले जाना, वहाँ लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिख देना है, वहाँ पर जाकर के बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। तो इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।